तो क्या हाल है भाई लोग, यार आ चुकी है नए वीडियो में वापस एक बार फिर से। और यार आज दोबारा खेले जा रहे हैं जॉम्बी कैचर्स। और यार आप सभी को पता होगा कि ये कौन सा एपिसोड है, तो यार ये जो एपिसोड है उसे यार कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख दो। तो यार यहाँ पर दोनों ड्रोन ने सर्च कर लिया है जॉम्बीज को, और यार हम जाने वाले हैं जॉम्बीज को पकड़ने। तो यार सबसे पहले मैं देख लूँ कि थॉर भैया कैसे हैं, क्योंकि यार अभी तक अगर कोई खतरनाक जॉम्बी है तो वो है भैया थॉर भैया, क्योंकि थॉर भैया फेंक के मारते हैं अपना हथौड़ा। पिक्चर की सीन याद आ गई। बहरहाल यहाँ पर 7 जॉम्बीज को पकड़ना है, और क्या मैं सबको पकड़ पाऊँगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहरहाल थॉर भैया ने मुझे मार दिया है, और अब देखो क्या होगा। अब क्या, थॉर भैया को मार दिया मैंने भी, और ये चिड़िया। तो यहाँ पर मैंने 2 लोगों को पकड़ लिया है, और अब देखो, अब यार इनके सामने दिमाग गिराते हैं और पहले चिड़िया को मार दें। यार चिड़िया बड़ा खतरा का कारण है। बहरहाल यहाँ पर थॉर भैया निकले तो मैं इनसे बच के जाऊँगा, और बचने के चक्कर में ये 2 लोग भाग गए यार। ये भी नहीं पकड़ में आएगा। चलो उनको पकड़ते हैं थॉर भैया को। यार गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी, अब क्या करें। तो यहाँ पर थॉर भैया भी जा चुके हैं। तो यार सबसे बड़ी गलती हो गई, 3 जॉम्बी आज मुझसे छूट गए। कोई बात नहीं, अब इसको मैनेज करना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पर इस नीलू को पकड़ना पड़ेगा। यार बहुत गुस्से में हूँ मैं, पता है। थॉर भैया छूट गए, उनके साथ नीलू पीलू। तो यार ये वाला गेम होता है ख़त्म, और हम इनको ड्राइव थ्रू करने आते हैं। साथ ही ये भी देखेंगे, उसके पहले ये वाला ड्रोन जिसने सर्च किया था उसको भी जा कर के जॉम्बीज को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 5 लोगों को पकड़ना, और चिड़िया को मैं सबसे पहले मार दूँ, क्योंकि यार बहुत दिक्कत का कारण बनती है चिड़िया। अगर आप किसी को दौड़ा रहे हैं और आप हवा में हो और आपसे चिड़िया लड़ गई, तो फिर आपका खेल वहीं ख़त्म। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे थॉर भैया को मारने से पहले चिड़िया को मारना पड़ेगा, और अच्छा हुआ उसका हथौड़ा नहीं लगा, नहीं तो मैं तो गया था। बहरहाल यहाँ पर दोनों लोग भाग रहे हैं, सोच रहे हैं भाग पाऊँगा, पर नहीं भाग पाएंगे। यार पीछा कौन किया है, मैं ना मिस्टर डर, तो फिर कहाँ से भाग पाएंगे यार। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आके बहुत सारे इक्विपमेंट और जॉम्बीज मिलेंगे, तो उनके एपिसोड देखने के लिए जल्दी से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पर नीलू पीलू दोनों एक साथ हैं, और इन दोनों को एक साथ ही लॉबी पहुँचा दिया, मतलब ड्राइव थ्रू करने के लिए रेडी कर दिया। तो यहाँ पर रॉकी कैचर अभी हमें मिला नहीं है, ये वाला अपडेट ख़त्म होने के बाद मिल जाएगा। बहरहाल यहाँ पर अब इनको करते हैं ड्राइव थ्रू, उसके पहले मैं लेवल अप कर देता हूँ। और हम लोग पहुँच चुके हैं लेवल 7 से लेवल 8 पर। तो यार लेवल 8 पर पहुँचने की बहुत खुशी हो रही है। तो यार यहाँ पर अब अगला गेम होने वाला है, और यार इस बार 6 लोग को पकड़ना है, तो यार मज़ा आने वाला है कतई। तो यार शुरुआत में 3 लोग को देखकर मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, पर कोई बात नहीं यार, अब इस बार एक एक को मारेंगे, एक एक के मारने में सही रहता है यार, सब निकल जाते हैं। तो एक तो यार थॉर उसी में आ जाएगा, 2-3 तो बेकार हो जाएगा। बहरहाल नीलू को पकड़ लिया, अब इसमें शायद पीलू होगा, हाँ पीलू ही है। तो यार इसे भी ख़त्म कर दिया, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि 3 लोग को और पकड़ना था। तो यार मैं सोच रहा था कि कुछ एक्शन। बहरहाल इसे पकड़ लिया, और उसके बाद फिर यार यहाँ भी निकलने लगे थे। तो यार इससे बचते हुए मुझे जाना पड़ेगा, और यार मार दिया इसने, अभी भाग जाएगा भाई, भाग गया, शिट भाग गया यार। ये पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, बहरहाल आज ही सबसे ज़्यादा छूटे हैं, और यार आफत हो गई है यार। अब बहरहाल मुझे प्रोडक्ट को सेल करके इक्विपमेंट अपडेट करना है, और साथ ही लेवल अप करना है। तो यार अब इसके बाद हम लोग लेवल 9 पर पहुंच जाएंगे, और इसके साथ ही हमें कुछ नया इक्विपमेंट भी मिलेगा। तो वो इक्विपमेंट जो है वो मैं इस गेम में नहीं दिखाऊंगा, बल्कि अगले एपिसोड में दिखाऊंगा ऑन पब्लिक डिमांड। तो यार यहाँ पर मैंने अपडेट जो उसकी शार्पनेस है उसको अपडेट कर दिया है, और बस हमारा लेवल अप होने ही वाला है। तो यहाँ पर मैं तब तक देख लेता हूँ कि आगे चलकर क्या कुछ जॉम्बी के ऊपर पहनाएंगे हम लोग या फिर नहीं। तो यार यहाँ पर काफ़ी महंगा है सब कुछ, और मुझे और देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा लूँगा, और एक ही चूज करने के बाद एक ही मैं ले सकता हूँ, तो सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए मैंने उसको देख लिया है, और हमारा ड्रोन जो है वो सर्च करने वाला है, बस 10 सेकेंड्स आर लेफ्ट। तो यहाँ पर इस गेम में यार मैं किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यार 2 गेम ऐसे गए जिसमें 2 से 3 जॉम्बी छूट गए, तो यार बहुत बुरा लग रहा था। बहरहाल मैं यहाँ पर चला गया गेम में, और यहाँ पर
फिर से छः लोगों को पकड़ना है। और यार छः लोगों को देखते ही यार मुझे थॉर दिख जाता है। तो यार ये थॉर जो है पीछे से वार करना पड़ता है इस पर। बहरहाल इसने पकड़ लिया है मुझे। इसने क्या पकड़ा, मुझे स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर चिड़िया का देख के मैं उड़ता नहीं हूँ, नहीं तो वहाँ रुक जाता, फिर ये भाग जाता। पर यार यहाँ पर जब मैं आया तो यार यहाँ पर मैंने चालाकी दिखाई और यार अब मैंने स्विच किया है जाल को और जाल फेंक दिया और एक साथ तीनों को पकड़ लिया। तो यार यहाँ पर आज मैंने दूसरी बार लगभग जाल से तीनों को पकड़ा है। तो यार अभी क्या है, दो लोग और बचे हैं और यार उन दोनों को पकड़ने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और यार निकालते हैं ब्रेन। और यार वो डर हमेशा बना रहता है कि यार कहीं थॉर ना हो, क्योंकि यार थॉर का हथौड़ा बहुत ज़्यादा दुखता है। बहरहाल यहाँ पर ये वाला गेम भी फिनिश हो जाता है। तो मैं इनको ड्राइव थ्रू करने के लिए और लेवल अप करने के लिए निकलता हूँ बाहर यहाँ से। तो सबसे पहले मुझे जाना होगा ड्राइव थ्रू के लिए और उसके बाद फिर लेवल। देखो आप सभी लोग देख सकते हो कि लेवल अप हो चुका है। अब लेवल अप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर मुझे नया इक्विपमेंट मिल चुका है, इसी की मैं बात कर रहा था शुरुआत में। तो यार इसको परचेज करने के लिए फ़िलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर कुछ देर बाद हो जाएंगे। तो यार एक गेम और खेल लेते हैं, क्या पता 8-7 जॉम्बीज मिल जाएं। बहरहाल यहाँ पर मेरे पास दो ही नेट है, नेट गन और इक्विपमेंट। नया इक्विपमेंट अभी मैंने परचेज नहीं किया है, शायद इसीलिए मिला नहीं है। बहरहाल मैं जा रहा हूँ गेम की ओर। और गेम में यार आते ही देखता हूँ कि 5 लोगों को पकड़ना है। तो यार ये भी बहुत बढ़िया बात है, कई कई बार तो 4 लोग होते हैं। तो यार इसने पता नहीं कौन सी सेफ्टी शील्ड पहनी हुई थी, मैंने एक ही बार मारा और सील टूट गई। बहरहाल यहाँ पर थॉर को मारने नहीं दिया इस बार। यार मैं शायद थॉर से ट्रेंड हो गया हूँ, अब मुझे थॉर शायद कभी ना मार पाए, शायद मार भी दे। बहरहाल थॉर के मारने की वजह से मैंने कई कई बार जॉम्बीज को मिस किया है। तो यार यहाँ पर ये आखिरी शील्ड वाला बचा है और इसे जाते जाते पकड़ लिया यार, नहीं तो ये भी भाग जाता। तो यहाँ पर रॉकी कैचर के मेरे साथ हो चुके हैं 10 में से और हम लोग जा रहे हैं देखने कि क्या लेवल अप होने वाला है या नहीं। 1500 रुपये मिल चुके हैं और हमने नया बीपन खरीद लिया है। तो यहाँ पर अभी 300 और चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा जो अपग्रेड है वो किसी प्रोडक्ट का, स्क्वीजर का, वो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यार ड्राइव थ्रू नहीं हुआ है जो भी, उसे ड्राइव थ्रू कर देता हूँ। और यार आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी एपिसोड की वीडियो चलता आएगी। तो यार जैसा कि आपने देखा कि आज हमें थॉर का कहर देखने मिला और साथ ही साथ हमें इक्विपमेंट भी मिला और हाँ नया स्क्रीजर जिस पे हम जॉम्बीज को रखेंगे वो भी मिला। और हाँ अगले एपिसोड में शायद आपको देखने मिले उस नए वीपन को हम कैसे यूज करते हैं इस गेम में। और उसके साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। गुड बाय।